अजान असर की सआदत हासिल कर रहे थे माशाल्लाह रोज़ाना की तरह। और आज ज़ाहिर है 21 रमज़ान मुबारक है, यौम शहादत हज़रत अली है, और इस हवाले से हमारे नशरियात जारी है। हमने गुजारिश की थी आलम इस्लाम के बहुत मशहूर व मारूफ सना खां हैं, नात खां हैं, नोहा खां हैं, मनकबत खां हैं, और आप सबको इनका बहुत इंतज़ार भी था। ये किसी भी टेलीविजन स्क्रीन पर तकरीबन 8 साल बाद किसी भी टीवी प्रोग्राम में आप आ रहे हैं। आज तकरीबन 8 साल पहले मुझे भी याद है कि जब आप एक प्रोग्राम में गए तो हम सब ने बहुत लुत्फ लेकर सुना था, और उस वक्त उन्होंने नात पेश की थी, मैंने उनसे गुजारिश की कि ज़रूर हमें वो नात ज़रूर सुनाएं। तो हमारे साथ आज मौजूद है, ज़ाहिर है हमारे सारे नात खां बरादरान साथ तशरीफ़ फरमा है, और हमारे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ सना खां, नात खां, मनकबत खां और नोआ खां, जनाब मीर हसन मीर साहब। अस्सलामु अलैकुम, माइक दीजिएगा जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं ये बता दूं कि मतलब मुझे ये अंदाज़ा है और मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे कि पिछले 2-3 दिनों से ये मुसलसल सफ़र पर हैं, मुसलसल जाग रहे हैं, मजालिस का सिलसिला चल रहा है मुसलसल नवाखानी का, तो मुझसे आज ये कह भी रहे थे कि मेरे गले में खासी खस्तगी है, तो मुझे ज़रा इजाज़त दे दें। लेकिन मैंने कहा नहीं, लोग चाहते हैं कि आप यहाँ आएँ, और ये तो ज़ाहिर है वैसे ही दिल के मामलात हैं, ये तो इश्क के मामलात हैं। ऐसे ही वसीम भाई, आपकी मोहब्बत है वाकई। इस वक्त जो हाल है तबीयत का और गले का, मुसलसल यानी 3 रोज़ हो गए अज़ादारी में मसरूफ़ अज़ा रहे, मसरूफ़ ज़िक्र रहे, और रात भी कराची से बाहर था एक जगह सिंध में, फिर उसके बाद सुबह, फिर उसके बाद जुलूस था। माशाल्लाह, बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का के मौला के जिक्र से। नहीं, जज़ाकअल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया सबकी तरफ से। हमारे सारे नात खान हज़रात भी बड़े सब एक्साइटेड थे जब पता चला कि आप आ रहे हैं, तो हम सबकी ये ख्वाहिश है कि आप हमें या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई कि बस, ये हमें अब नात सुनाएगा। ये वो नात है कि जो मैं ज़ाहिर बताऊँ, हम अक्सर जो हमारी टीम में जब तैयारी वगैरह कर रही होती है, हम रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हम अक्सर फ्रेश होने के लिए आपका ये कलाम यूट्यूब पे लगाते हैं और सुनते हैं और लुत्फ़ लेते हैं हम, तो सुनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, उस अल्लाह के लिए जो मुस्तफ़ा मुर्तज़ा फ़ातिमा का अल्लाह है, दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनके पाक आल के लिए। सबसे पहले मैं आपके तवस्सुत से, इस चैनल के तवस्सुत से, सारे आलम इस्लाम को, तमाम मोमिनीन को, अमीर मोमिनीन मौलाए अमीर अमीर कायनात की शहादत की ताज़ियत और तसलियत पेश करता हूँ। खुदा की लानत हो अमीर मोमिनीन के कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुल्जिम पर, उसके साथियों पर, कि जिसने हिदायत के सुतून को मनहदिम कर दिया। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, एआरवाई की टीम का, कि उन्होंने ज़िक्र मुस्तफ़ा, ज़िक्र मुर्तज़ा के लिए मुझे यहाँ मदऊ किया। जज़ाकअल्लाह, खुदा आप सबको सलामत रखे। ये ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करने वाले, सजाने वाले सलामत रहें, और ये काम सरकार के उस कौल की तासी में किया जा रहा है कि जिसमें सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़िक्र अली उन इबादा, यानी अली का ज़िक्र इबादत है। अली का जिक्र सिर्फ सवाब नहीं है, इबादत है। क्या, क्या? तो ये अली का जिक्र यौम अली के सिलसिले में जो यहाँ हो रहा है, खुदा आप सबको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। मुझे वसीम भाई मुसलसल कह रहे हैं नात का, एक मरतबा फिर पहले माजरत खा हूँ, अगर कोई कोताही कमी मेरी आवाज़ की खस्तगी की वजह से रह जाए तो मुझे माफ़ फरमाएगा। जिंदाबाद। चलें एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं सब कलाम हाजिर करता हूँ। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। या मोहम्मद, या मोहम्मद, सुभान अल्लाह, या क्या कहने मोहम्मद, सुभान अल्लाह, या मोहम्मद, सुभान अल्लाह, या
इज्जत आपने पाई के बस क्या कहने हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई। अल्लाह अकबर ये बस है ना, ये बस अगर समझ में आ जाए तो नाच समझ। क्या कहने हैं, वाह वाह। या मोहम्मद ऐसी इज्जत आपने पाई के बस। की शबे असरा खुदा ने वो पज़ीराई के बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने है, सुभान अल्लाह। या मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या मोहम्मद सरकार के मस्तानों के नज़र चाहने वालों के नज़र के एक पल में मुस्तफा को क्या कहना है, अर्श पर बुलवा लिया। सुभान अल्लाह पल में मुस्तफा को अर्श पर बुलवा लिया। अरे अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह क्या कहना है, क्या कहने हैं, वाह वाह। वसीम भाई शेर दर्ज कर रहा हूँ तमाम नाज़रीन की नज़र। अता हो अता हो के गिनते गिनते थक गई। क्या कहने हैं, क्या अजीब शेर है, वाह वाह। गिनते गिनते थक गई तारों की नाज़ुक क्या कहने उंगलियां। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान। गिनते गिनते थक गई तारों तारों की नाज़ुक उंगलियां। अरे मुस्तफा मुर्तजा मुस्तफा के हैं जमीन पर इतने शैदाए। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या मोहम्मद ना वो जी सब कह रहे हैं, देख अभी वक्त है। पढ़ता हूँ शेर से पहले एक और पढ़ूं कि मैंने जलती धूप में अच्छा जब छेड़ दी ना तेरे सुर। क्या कहने हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। मैंने जलती धूप में आए हैं जब छेड़ दी ना तेरे सुर। भाई रहमतों की हर तरफ ऐसी घटा छाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सलामत रहिए, सलाम। आपके हुक्म की जामिल में शेर पढ़ता हूँ।
कि देख अब भी वक्त है। क्या कहना है? एक पैगाम आपके दोस्त से। वाह वाह। देख अब भी वक्त है, दामन दामन नबी का थाम ले। क्या कहना है? देख अब भी वक्त है, दामन नबी का थाम ले। अरे वरना कल महशर में होगी ऐसी रुसवाई। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इस टूटी फूटी आवाज को भी इतना अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। शेर सुन लीजिए, मेरी पसंद का शेर है, आखिरी शेर। हाँ और एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे हिजरत का। सुभान अल्लाह। एक दिन मैं लिखने बैठा था शबे शबे हिजरत का हाल। अरे क्या कहूँ यारो, मुझे भी ऐसी नींद आई। बस क्या कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है? अरे वाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं भाई? वाह मेरे भाई कारी मोहसिन साहब, ये खुद मौला के बड़े अच्छे आका के बड़े अच्छे सना खान हैं, खुदा इनको सलामत रखे और मजीद जिक्र में और इनके आवाजों में तासीर अता फरमाए। मेरे भाई कह रहे हैं आज का दिन अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात से मंसूब है, तो मैं मौला अमीर की बारगाह में भी एक दो शेर इसी में मैंने लाइव में पढ़े थे, इन्होंने सुने थे। अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं पढ़ देता हूँ। क्या शेर याद दिलाया आपने? और काट कर, यही शेर कहा ना आपने, काट कर मरहब को जब क्या कहने पहुंची जमीन पर जुल्फे एक मंजर है महसूस कीजिएगा, दूसरा मिसरा मुझे देखेंगे भी तो मिसरा समझ आएगा। काट जो शायर ने इसमें रदीफ को निभाया है, बस काट कर मरहब को जब पहुंची जमीन पर जुल्फे खार, तो शहे परे जिब्रील से फौरन सदा आई के बस। क्या कहना? नारा हैदरी, नारा रिसालत, नारा तकबीर, या मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान। या मेरे मौला आपको तो सारे शेर याद। क्या कह रहे हैं भाई? क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुहम्मद। बिनते रसूल अल्लाह की शान में शेर लिखा था। वाह वाह। रसूल की बेटी की शान सुनिए कि मोल ली खा
خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مول لی خالق نے جنت کے عوض اللہ اکبر کچھ روٹیاں. اے فاطمہ فاطمہ سیدہ کے مال کی تھی اتنی مہنگائی کہ بس یا محمد سبحان اللہ یا محمد. اور ایسے ہوتے ہیں نبی کے نوکر. مقتا پڑھو. ہر نبی کے نوکر ہر حلی کے نوکر کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان فرشتوں نے ابھی ہائے ہائے پوچھا ہی کیا کیا کہنے. واہ واہ واہ. اے سروش فرشتوں نے ابھی کیا کہنے ہیں. پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ارے دفعتن یعنی فوراً دفعتن میرے سرحانے سے صدا آئے کہ بس کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے. جزاک اللہ. وقت ایسے گزر رہا ہے کہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا. الحمد للہ میں چاہوں گا آج کے دن کی مناسبت سے کس رمضان کی مناسبت سے بس ہمیں آپ اشعار سنا دیجئے بس پھر ہم چلے. مولا قبول فرمائے. پروردگار اس ذکر کو قبول فرمائے اور اس ذکر کے صدقے ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ساری دنیا کو اس مصیبت سے اس وبا سے نجات. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. چلیے ایک کلام ایسا پڑھتا ہوں کہ جس میں یہ میرے برادران بھی میرے ساتھ شامل ہوں. اچھا جب آپ نے اتنے مشکل شعر سنے ہوئے تھے جو لائف یعنی ریکارڈنگ میں تھے بھی نہیں تو یہ بھی آپ نے سنا ہوا ہوگا مجھے. تو آئیے مل کر مولا کی بارگاہ میں. آج یوم امیر المومنین ہے. مولا مولا کائنات ہے. تو مولا کی بارگاہ میں اس ٹوٹی پھوٹی آواز کے ساتھ یہ خادم یہ خاکسار ایک دو بند پڑتا ہے آپ برادران کے ساتھ مل کر. اجازت ہے آئیے میرے ساتھ ذکر مولا امیر المومنین کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل. علی شیر خدا خیدار خیدار غرور کبریا خیدار خیدار محمد کی دعا خیدار خیدار علی شیر خدا خیدار خیدار غرور کبریا خیدار خیدار محمد کی دعا خیدار خیدار تیرے صدقے میں چلتا ہے نظام دو جہاں مولا نظام دو جہاں مولا بھکاری ہیں تیرے در کے زمین و آسماں مولا زمین و آسماں مولا ارے تیری زوجہ بنت رسول اللہ تیری زوجہ کے صدقے میں سبھی کو رزق ملتا ہے سبھی کو رزق ملتا ہے ارے تیرے صدقے ملنگوں کی لگی ہے روٹیاں مولا فقیروں کی صدا خیدار خیدار
غرورِ کبریا حیدر حیدر محمد کی دعا حیدر حیدر علی شیر خدا حیدر حیدر غرورِ کبریا حیدر حیدر وصی مصطفیٰ حیدر حیدر نمایاں دونوں عالم میں فضیلت مرتضیٰ کی ہے فضیلت مرتضیٰ کی ہے خدا خدا ہے جس پہ نازا وہ خدا ہے جس پہ نازا وہ عبادت مرتضیٰ کی ہے عبادت مرتضیٰ کی ہے بشر ایسا زمانے میں کوئی آیا نہ آئے گا کوئی آیا نہ آئے گا ارے خدا کے گھر ولادت اور شہادت مرتضیٰ کی ہے کہو مل کر ذرا حیدر مل کر کہو مل کر ذرا حیدر حیدر غرور کبریا حیدر حیدر وصی مصطفیٰ حیدر حیدر علی شیر خدا حیدر حیدر وصی مصطفیٰ حیدر حیدر محمد کی دعا حیدر حیدر دل سیر ہے دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا جناب امیر انیس جناب مرزا دبیر ہمارے بہت ہی یعنی مستند اور ہمارے بزرگ شعرا میں سے ہیں ایک ایک بن ایک ایک چار مصرے ان کی جانب سے مولا کی بارگاہ میں کہ دل سیر ہے گدائے جناب امیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا ارے مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا کہ دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا امیر دو سرا محمد کی دعا کبریا حیدر حیدر علی شیر خدا حیدر حیدر غرور کبریا حیدر حیدر وصی مصطفیٰ حیدر آخری بار سنیے وسیم بھائی کہ خوشا خوشا زمین مولا زہِ فضائے نجف خوشا زمین مولا زہِ فضائے نجف اور ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجف ریاض خلد بھی ہے شائق ہوائے نجف اور مریض کے لیے اک سیر ہے یہ دو نسخے مریض کے لیے اک سیر ہے یہ دو نسخے غبار مرقد شبیر اور ہوائے نجف دلیل کربلا دلیل کربلا محمد کی دعا حیدر حیدر غرور کبریا حیدر حیدر علی شیر خدا حیدر حیدر غرور کبریا حیدر حیدر مو
मोहम्मद की दुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस हमें जाते जाते अब दो मिसरे बस मुराद बस से सुना दीजिए, आज के दिन को नाम सुनाएंगे अगर आप। हाँ बस ठीक भाई, एक शेर बेशक आप एक शेर पढ़ते, बस शादी पर ब्रेक पे बस जाते चलें। जिक्र मौला अमीरुल मोमिनीन चल रहा है और आज यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन है, तो मैं बतौर पुरसा ये दो तीन शेर जल्दी जल्दी से मालिक की बारगाह में, इमाम जमान की बारगाह में, मखदूमा की बारगाह में, तमाम आलम इस्लाम की बारगाह में हाजिर करता हूँ। ये तो तमाम हाजरीन सामईन जानते ही हैं कि मस्जिद कूफा में मौला अली शेर खुदा पर शरबत लगी, तो उस हवाले से बस कलाम का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से, अफलाक में एक शोर है मातम के असर से, अफसोस अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा, अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा, कुछ कम नहीं ये हश्र कयामत के असर से, अब्बास जरा ज़ैनब मुज़तर से खबरदार, अब्बास जरा ज़ैनब से खबरदार, अरे फरियाद में हट जाए ना चादर कहीं सर से। आखिरी शेर सुनिए, अरे शबीर को याद आ गई खुद अपनी सकीना, शबीर को याद आ गई खुद अपनी सकीना, अरे ज़ैनब ज़ैनब को हटाया गया जब लाश पदर से, निकला है जनाजा कोई अल्लाह के घर से। اللهم صل على محمد وآل محمد। बहुत शुक्र गुजार हूँ आप तमाम आलम इस्लाम का, तमाम सामईन का, खुदा आपका। जजाकल्ला जजाकल्ला जजाक।